एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? कीर्ति जी से हमने बहुत सारी वास्तु टिप्स तो ले ली, तो अब उनके गार्डन का टूर भी हो जाए। वास्तु के हिसाब से अगर हम अपने प्लांट्स लगाएं तो उनमें स्टोर जितनी भी एनर्जी होती है वो हमारी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करती है। फाइव एलिमेंट्स, हम सब जानते हैं कि हमें इन फाइव एलिमेंट्स की एनर्जी को बैलेंस करना है, और किस तरीके से प्लांट से हम बैलेंस कर सकते हैं वो हमें बताएंगी कीर्ति जी। सो लेट्स वेलकम कीर्ति जी। हेलो। सो चलिए शिखा जी, मैं आज आपको अपना गार्डन टूर करवाती हूँ। बिल्कुल जी, आप यहाँ आकर के तो हमें बड़ा मजा आएगा। ये सारा आगे तक पूरा गार्डन एरिया को लगाएंगे वास्तु के हिसाब से, वास्तु विद डायरेक्शंस। और इसमें सारे ऑस्पिशियस प्लांट्स हैं जो हम वास्तु में क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करते हैं, वही मैंने अपने घर में लगाए हुए। क्या बात। सो शिखा जी, ये कुछ प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं। बेसिकली ये मेरे घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर है। ओके। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में हमें कौन कौन से प्लांट लगाने तो जो कि उसकी एनर्जी हमारी लाइफ में प्रॉपर जाए। ये आपका हिबिस्कस प्लांट है, जिसको हम गुड़हल का प्लांट भी कहते हैं। रेड वाला? यस, रेड वाला, जिसको हम देवी जी के चरणों में भी इसके फ्लावर्स को चढ़ाते हैं। तो इसको हम साउथ ईस्ट डायरेक्शंस में लगाते हैं, सो दैट कि जो घर की फीमेल्स हैं ये उनकी हेल्थ को स्टेबल रखते हैं। Okay. ये वाला प्लांट्स। Okay. और ये हमारा एरिका पाम है। एरिका पाम को भी हम ईस्ट बैंड से साउथ बैंड तक, नॉर्थ ईस्ट बैंड से साउथ बैंड तक कहीं भी लगा सकते हैं। मोस्ट ऑस्पिशियस प्लांट एज पर वास्तु इसको कहा जाता है। एरिका पाम। यस। अच्छा, तो पाम में जैसे और भी वैरायटीज होती हैं? ऑल ऑफ देम नहीं, सबसे ज्यादा एरिका पाम। उसको हम मोस्ट ऑस्पिशियस, यस, आउटडोर और इंडोर भी इसको लगा सकते दोनों। ओके। ये नेगेटिव एनर्जीज को दूर करता है आपके घर से, और पॉजिटिव एनर्जीज को इनहेंस करेगा आपके घर। अच्छा अच्छा, तो डायरेक्शन इसका हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट से साउथ बैंड, साउथ नॉर्थ ईस्ट। क्या है, यहाँ जेड प्लांट लगाया हुआ है, ये बोगनविलिया लगाया हुआ है। बोगनविलिया में आप जब अगर देखोगे तो इसके ऑरेंज फ्लावर है। हाँ। तो ये जो कलर वाले जो फ्लावर है ये भी मैंने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगाया, क्योंकि बोगनविलिया में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के प्लांट्स आते हैं। Okay. तो अगर पिंक फ्लावर है तो उनको हमें कहाँ लगाना है, व्हाइट कलर के फ्लावर है तो उनको हमें किस डायरेक्शन में लगाना है। तो ये ऑरेंज फ्लावर है तो इसको मैंने अपने घर के साउथ ईस्ट ईस्ट कॉर्नर पे लगाया है बोगनविलिया। ये आपका आ गया है हिबिस्कस प्लांट, ये भी मैंने साउथ। आज धूप नहीं है तो खिला नहीं है, खिला ये वरना फूल काफी आए हुए हैं, बहुत फूल आए हुए हैं, फ्लावर्स आए हुए हैं। और इसके फ्लावर्स को मैं जब भी मैं पूजा करती हूँ अपने मंदिर में तो देवी जी के चरणों में चढ़ाती हूँ ताकि वो मुझसे खुश रहे। ये अशोका ट्रीज है मैंने लगाए हुए हैं। ओके। एज पर वास्तु अशोका ट्री बहुत ही ऑस्पिशियस प्लांट कहा जाता है। इसकी जो पत्ते हैं उनको हमारे घर में तोरण के रूप में भी हमारे घर के जो दरवाजे हैं उन पे हमें लगाया जाता है। और ये घर के मनी को बैलेंस करता है, आपके नेम फेम को बैलेंस करता है। oh. ये प्लांट और जितनी भी आपके घर की एनर्जीज और आपके घर के जितने भी मेंबर हैं उनका एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप बैलेंस होगा, अशोका ट्री आपके घर को वो चीज़। तो ये जैसे आपके पास तो ग्राउंड है, ज़्यादातर दिल्ली में लोगों के पास ग्राउंड नहीं होता, तो क्या उन्हें गमलों में भी लगाना चाहिए? गमलों में भी लगा सकते हैं, वो इसकी हल्की सी कटिंग करके उसको एक छोटे फॉर्म में रख सकते हैं। ओके। तो ये कौन से डायरेक्शन में है आपका? ये मेरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट, हम ईस्ट से लेके साउथ डायरेक्शन के बैंड में लगा सकते हैं। वैसे इसकी जो मोस्ट पॉजिटिव जगह है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और ये बनाना ट्री है। हाँ, मैं देख रही हूँ कितना बड़ा। दिल्ली में वैसे भी आप लकी हो, आपके पास ग्राउंड है। क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग। क्या बात है। बेसिकली बनाना ट्री का तो हमारे कल्चर में और हमारे पूजा में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी देता है। एज पर वास्तु आपके घर के द्वार पर अगर बनाना ट्री है तो आपका घर एक मंदिर की तरह होगा। अच्छा। यस। इसकी एक बनाना ऐसा ट्री है जिसकी पत्तों से लेकर फ्लावर से लेकर इसकी हर चीज़ को आप यूज़ कर सकते, यूज़ कर एज अ मेडिसिन, एज अ खाने के रूप में, फूड के रूप में। तो इसको आप हर तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते। पर जैसे ये हम छोटे गमले में भी लगा के रख लें? बिल्कुल, आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। बस बनाना ट्री को आप बेडरूम्स में ना लगाएं, एज पर वास्तु
क्योंकि बिकॉज इसके लीव्स थोड़े बड़े होते हैं पत्ते, तो रात को इसके जो पत्ते जो बड़े होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, उनकी वजह से ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ज्यादा थ्रो करता है। ओके, साइंटिफिकली जस्ट इसलिए इसको हम थोड़ा सा बेडरूम से दूर लगा सकते हैं। आप अपने आंगन में लगा सकते हैं घर के, आप अपने छत पर लगा सकते हैं, टेरेस पे लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं। मोस्ट ऑस्पिशियस प्लांट। मैं तो सबसे पहले एक बनाना प्लांट खरीदने वाली हूँ यहाँ से जाते ही। और ये हमारा क्रिसमस ट्री है। हाँ, इसका तो अपना ही एक इम्पोर्टेंस है, जब भी क्रिसमस आती है जब हम इस ट्री को डेकोरेट करते हैं बच्चों के लिए, और ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है, आपके एयर प्यूरीफायर की तरह ये काम करता है घर में। अच्छा, तो इसलिए आप इसको यूज़ करें। ओके, तो ये भी लगाना चाहिए हमें? तो ये भी लगाना चाहिए बिकॉज इसमें थोड़े थोड़े कांटे होते हैं, तो आप इसको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के बैंड से थोड़ा दूर रखें, इसको ईस्ट बैंड से लेके साउथ तक के बैंड में आप लगा सकते हैं। ओके, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अवॉइड करें, अवॉइड क्रिसमस ट्री। फिर आपके एरेकास आ गए। और ये मेरी मनी प्लांट है। इधर मनी प्लांट को भी आप घर के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं एज पर वास्तु। अच्छा, लेकिन इसमें मनी प्लांट का एक जो बहुत बड़ा फैक्ट है वो ये है, आप इसको रख तो कहीं भी सकते हैं घर में, लेकिन अगर आप नॉर्थ में रखेंगे तो इसको वाटर में रखेंगे, और अगर आप ईस्ट में रखेंगे तो पानी में रखेंगे, बॉटल में आप डाल कर रख सकते हैं, और अगर आप साउथ ईस्ट से साउथ या साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रख रहे हो तो आप इसको मिट्टी में लगाओ, गमलों में। अच्छा, वहाँ पर हमें पानी में नहीं रखना है। अच्छा, तो और मनी प्लांट को हमेशा आप अपने घर में इस तरीके से लगाओ कि वो ऊपर की तरफ ग्रो, ऊपर की तरफ ग्रो, क्योंकि ये आपके घर में पैसा, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और पॉजिटिविटी, इनका कॉम्बिनेशन। ये परगोला भी आपने बहुत सुंदर लगाया हुआ, ये भी फूल लग रहे हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये प्लांट लगाया हुआ, ये मेरे ख्याल है। अच्छा, छोटा बनाना भी लगाया हुआ आपने, वाओ ब्यूटीफुल। इसकी भी कोई इम्पोर्टेंस है? हाँ, बनाना ट्री तो आप जितना भी अपने घर में लगाओगे उतना ऑस्पिशियस है। ओके, तो ये आपने जो बर्ड हाउसेस बनाए हुए हैं छोटे छोटे, ये बर्ड, इसमें गिलहरी रहती है हमने अपनी फैमिली के साथ, तो ये इसलिए हम कुछ ना कुछ खाने का उनके लिए रख देते हैं। तो वैसे भी गिलहरी को कहते हैं शायद गॉडेस ऑफ लव। यस। ओके, क्या बात है। और यहाँ तो बैठ के सुबह की चाय का आनंद ही बहुत आता होगा। प्लांट्स के बीच बैठ के कोई भी काम आप करते हो तो वो आप एक ऑटोमेटिकली हीलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है नेचर के भी। ओके, इतना अनकंडीशनल लव आपको यहाँ बैठ के मिलता है, तो आप मेडिटेट करो यहाँ बैठ के, चाय पियो मॉर्निंग और इवनिंग की, तो आपका अलग ही मज़ा, अलग ही आनंद आता है। क्या बात है, क्या बात है। ये लिली फ्लावर है, लिली का प्लांट है। क्यूट। लिली अपने आप में, लिली के फ्लावर को हम विष्णु जी और लक्ष्मी माता के चरणों में चढ़ाते हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव है। मतलब अगर आप इसकी पूजा एंट्रेंस डोर पे, एंट्रेंस डोर पे आप लगाओ। ओके, क्या बात है। ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट तो सभी जानते हैं, इतना एयर प्यूरीफाई करता है हमारा, तो जब हम कोविड से जूझ रहा था पूरा देश, स्नेक प्लांट सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मार्केट में फेमस हुआ था, तो हर घर में ये मिलता है। आप इसको घर के अंदर लगाओ, बेडरूम में लगाओ, घर के बाहर लगाओ, बस वॉशरूम अवॉइड करो। अच्छा, वॉशरूम में नहीं लगाना? नहीं लगाना, काफ़ी लोग तो वॉशरूम में भी लगा देते हैं। इट्स ए ऑस्पिशियस प्लांट, तो इसको वॉशरूम में अवॉइड करो आप लगाना। तो स्नेक प्लांट है, इस तरह के प्लांट्स, और अरीका पाम है, इस तरह के प्लांट्स को हमें वॉशरूम में नहीं लगाना, जितने ऑस्पिशियस प्लांट, बिकॉज ये सभी ऑस्पिशियस प्लांट है, इसको हम इनकी एनर्जीज को हम घर में लेंगे, वॉशरूम में ना। यहाँ भी आपने बहुत सुंदर अपना बनाया। आप स्पाइडर प्लांट को भी रख सकते हो, स्पाइडर प्लांट। ओके, बहुत सुंदर आपने एक जगह में बनाई है अपनी पूरी। ये तुलसी है, तुलसी को तो हम भगवान की तरह पूजा करते हैं, तो तुलसी को आप अपने घर के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये तीन ही डायरेक्शन है तुलसी की। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने घर में तुलसी को कहाँ जगह दें, तो तुलसी को आप नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये तीन ही डायरेक्शन है जहाँ हमें तुलसी रखनी चाहिए, और डेली आप तुलसी पे दिया लगाओ, लाख की लाइफ चेंज। और ये था हमारे एलोवेरा। एलोवेरा इनकी भी कोई है इम्पोर्टेंस? यस, ये एक्चुअली हमारी स्किन को ठीक रखता है एलोवेरा, लेकिन इनकी, क्योंकि इनमें कांटे होते हैं, थ्रोनी प्लांट्स होते हैं, तो हमें इनको ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बैंड से दूर रखना है। हम इनको साउथ बैंड में लेके जाएंगे, साउथ साउथ वेस्ट बैंड में लेके जाएंगे,
और साउथ बैंड में हम रबर प्लांट को भी रखेंगे, वो आपके नेम फेम और आपके घर की इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत ही अच्छा। क्या हाँ जी, ये मेरे घर का है प्योर ईस्ट, जहाँ से सूरज उगता है। क्या बात। तो इसको भी मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है कि मेरे घर में पूरी पॉजिटिविटी अंदर जाए सन रेज के साथ। प्लांट्स की जो एनर्जी है वो विद सन रेज मेरे घर के अंदर जाए। और यहाँ पे जो मैंने गमलों का जो कलर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे नेवी ब्लू कलर, ग्रीन कलर, नेवी ब्लू कलर, वाइट कलर, मैंने पर्टिकुलर कलर चूज करे हैं बिकॉज इस डायरेक्शन में हमें जो कलर रखने चाहिए प्लांट्स का, तो वो ही गमले मैंने इस डायरेक्शन में एज पर कलर को। तो यहाँ पे गमलों के कलर का इम्पोर्टेंस है, प्लांट्स आपने मर्जी के लगाए, प्लांट मर्जी से लगाए, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश मैक्सिमम यही रहती है कि ईस्ट डायरेक्शन में हमें कौन से प्लांट्स देने हैं और कौन से नहीं देने। ईस्ट डायरेक्शन में हम हल्के प्लांट्स देंगे, हैवी प्लांट्स हम नहीं रखें, नहीं रखें, बिकॉज ये बिल्कुल मेरे घर से टच करता हुआ धन है, तो मैंने हल्के प्लांट्स दिए। बहुत सुंदर। और ये पूरा का पूरा जिस तरीके से आपने बनाया है ना, जेट प्लांट आप अपने घर में लगाओ, ये बहुत फास्ट ग्रो करता है आपके घर में। और आप बैम्बू प्लांट्स लगाओ, बहुत फास्ट ग्रो करता है। तो मतलब इनकी जो नेचर है फास्ट ग्रो करने की, तो आपके घर की हेल्थ, वेल्थ और पॉजिटिविटी, प्रोस्पैरिटी उनको भी उसी तरीके से ग्रो करेगा। नहीं, पर बहुत सुंदर आपने जो कॉर्नर मेंटेन किया हुआ है ये बहुत प्यारा है, वेरी प्रिटी। ये मैंने घर के एंट्रेंस में मैंने स्पाइडर प्लांट्स रखे हुए हैं, मैंने मनी प्लांट्स की दो वेराइटीज़ रखी हुई हैं। क्या तो घर की एंट्रेंस हमारी सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में हर एनर्जी, हमारे घर की, हम जब घर की एंट्रेंस से जाते हैं तो हमारे घर की हर एनर्जी हमारे घर के एंट्रेंस से अंदर जाती है। तो उस एनर्जीज को हम शुरू में ही पॉजिटिव करें, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच कीर्ति जी। प्लांट्स के साथ तो अनडाउटिंगली मैं बहुत टाइम से जुड़ी हुई थी, बट डेफिनेटली शायद उनकी केयर के कारण डायरेक्शंस मेरे माइंड में रहती थी, बट आपने जिस तरीके से हर प्लांट की डायरेक्शन और किस तरीके से उनको रखना चाहिए बताया है, आई थिंक बहुत लोग इससे बेनिफिट करेंगे। और प्लांट्स की एक्चुअल वैल्यू, आप एनर्जी को कैसे अपने घर में ट्रांसफ़र कर सकते हो उसके बारे में, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ लॉट ऑफ नॉलेज। थैंक यू सो मच।